स्वागत है आपका दोस्तों। यदि आप भी यशस्वी जायसवाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बेहद खुश हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं केकेआर के खिलाफ यशस्वी ने रचा इतिहास। कर दी ऐसी ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात, देख आप भी करेंगे सलाम, दिखाएंगे आपको मैच का पूरा हाल। जी दोस्तों, बात करेंगे इस बेबी बड़ी खबर की, देंगे आपको जानकारी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या इस बार राजस्थान टीम जीत सकती है आईपीएल खिताब, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इसके हम सब जानते हैं राजस्थान रॉयल्स और केकेआर टीम के बीच आईपीएल 2023 का दमदार मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले के लिए जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स टीम ने गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी प्रदर्शन दिखाया वो काबिले तारीफ था। मुकाबला ईडन गार्डन्स में शुरू हुआ। मुकाबले के लिए राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस तरीके से केकेआर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। इसी पिच पर कोई भी बल्लेबाज केकेआर की ओर से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। सिर्फ और सिर्फ वेंकटेश अय्यर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 57 रनों का योगदान दिया। जैसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज पारी की शुरुआत करते हैं। जैसन रॉय 10 तो वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज 18 रन का योगदान दे ट्रेंट बोल्ट का शिकार बने। वेंकटेश अय्यर ने 57 तो वहीं नीतीश राणा ने 22 रनों का योगदान दिया। आंद्र रसल ने 10 तो वहीं रिंकू सिंह ने 16 रन की पारी खेली। इस मुकाबले के लिए अनुकूल रॉय ने 6 तो वहीं सुनील नारायण ने 6 रन का योगदान दिया। इस तरीके से केकेआर टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए थे। 150 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स टीम के सामने रखा गया। राजस्थान की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने 2 तो वहीं संदीप शर्मा ने 1, वहीं युजवेंद्र चहल ने सबसे खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए नया इतिहास बसते हुए पर्पल कैप अपने नाम करते हुए 4 बड़ी सफलता लेने का कारनामा किया। इस तरीके से 150 रन को चेस करना राजस्थान रॉयल्स के लिए कभी भी टफ साबित नहीं हुआ, क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने पहले ही ओवर से जिस खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ था। यशस्वी जायसवाल ने 26 गेंदों का सामना करते हुए तो 80 रन ठोक दिए थे। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में मात्र 12 गेंदों पर ही यशस्वी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। आईपीएल 2023 का पहला सबसे तेज अर्धशतक ठोकने का कारनामा तो किया ही, लेकिन इसके साथ ही आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक ठोका यशस्वी जायसवाल ने, जिन्होंने मात्र 32 गेंदों पर 90 रन ठोक दिए थे। 9 खतरनाक चौके तो वहीं 7 छक्के इनके बल्ले से निकले। यशस्वी जायसवाल 250 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जो काबिले तारीफ था। और इसके साथ ही जॉश बटलर दूसरे छोर पर शून्य पर ही चलता हो जाते हैं। संजू सैमसन ने भी 23 गेंदों पर 28 रन की पारी खेली, जहां पर हर एक बल्लेबाज फ्लॉप हुआ। जिस पिच पर कोई भी बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पाया, उसी पिच पर यशस्वी जायसवाल ने जो ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात की है वो काबिले तारीफ है। और ये पूरी तरह से संकेत देता है कि ये खिलाड़ी इस बार और इस साल वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम इंडिया में आ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, ये मस्ट विनिंग मुकाबला था केकेआर और राजस्थान के लिए। राजस्थान ने इस मुकाबले को जीतकर प्लेऑफ की रेस में सबसे ऊपरी स्थान हासिल किया है, लेकिन इसके साथ ही केकेआर टीम को इस हार के बाद अब प्लेऑफ से अपना हाथ धोना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आप केकेआर के खिलाफ राजस्थान के इस प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं को नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।